हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और नया सिलेबस आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, ये आपका सेमेस्टर वाइज हो चुका है एंड अभी आपके बीए के सारे ईयर सेमेस्टर वाइज होने वाले हैं। तो सेमेस्टर वाइज में 2023 के अकॉर्डिंग नया सिलेबस आपका क्या होने वाला है, जो कि आपका नवीनतम पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें आपका बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर के होम साइंस का, गृह विज्ञान का होम साइंस का सिलेबस क्या होने वाला है, उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ऑलरेडी हमने कई सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता दिया है, तो अगर आपने वो चैनल्स नहीं देखे हैं, मीन्स वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट के रूप में और वीडियोज के फॉर्म में आपको मिल जाएंगी, आप एक बार चैनल पे विजिट करके ज़रूर देख लीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर, ऑलरेडी बीए से रिलेटेड 2000 से भी ज़्यादा वीडियोज अपलोडेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए समझते हैं कि आपका जो होम साइंस का प्रथम सेमेस्टर है बीए फर्स्ट ईयर का, इस प्रथम सेमेस्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन का मतलब जो न्यूट्रिशन है, जो आहार है, उसका आपका फंडामेंटल क्या है कि एक बेहतर आहार हो, और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है, इन चीज़ों के बारे में। तो ये जो आपका पेपर है, ये दो पार्ट में बटा हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है दो पार्ट में, पहला है फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पार्ट ए के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इनमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से डोमेन्स को टच करना है, वो सारी चीज़ें हम आज जानने वाले हैं। तो देखिए, पहला यूनिट जो है ना, पहले यूनिट में आपको पढ़ना है ट्रेडिशनल होम साइंस एंड इट्स रेलिवेंस इन करंट ईरा, यानी कि जो ट्रेडिशनल आपका होम साइंस है, ट्रेडिशनल मींस परंपरागत, जो आपका पुराने समय से चला आ रहा है, तो परंपरागत जो होम साइंस है, गृह विज्ञान है, एंड इट्स रेलिवेंस इन करंट एरिया इरा, एंड उसकी जो रेलिवेंस है, उसकी जो प्रासंगिकता है, वो वर्तमान युग में क्या है, उस चीज के बारे में बात करनी है कि परंपरागत गृह विज्ञान क्या है और उसकी जो रेलिवेंस है, प्रासंगिकता है, वो वर्तमान युग में जो है, मॉडर्न टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे क्या उसका रेलिवेंस है, उसके बारे में बताइए। इसके बाद हमको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा, जो गृह वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा क्या योगदान दिया गया गृह विज्ञान में, भारतीय जो वैज्ञानिक रहे, गृह वैज्ञानिक, उन्होंने क्या योगदान दिया। इसमें कई सारे विद्वानों के बारे में हमको पढ़ना है, जैसे कि एम स्वामीनाथन के बारे में, सी बी गोपालन के बारे में, एस के डे के बारे में, रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में, और भी कुछ लोग हैं जिनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना है। तो ये सारे जो भारतीय गृह वैज्ञानिक थे, उनका क्या योगदान रहा है गृह विज्ञान के फील्ड में, उसके बारे में बात करनी है। तो यूनिट नंबर वन में आपको इस चीज के बारे में बात करनी है। अब आएगा यहां से आपका यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें आपको सेल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। सेल मींस कोशिकाएं, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन संस्थान, संस्थान मींस होता है तंत्र, यानी कि आपको पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है, कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है, रेस्पिरेटरी एंड जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि जो श्वसन तंत्र है आपका वो पढ़ना है, हृदय प्रसंचरण तंत्र है वो पढ़ना है, ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका वर्क क्या है, इनका योगदान क्या है, इनके लिए कौन से भोजन चाहिए, कौन सी एक हेल्दी डाइट होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको सेकेंड नंबर यूनिट में पढ़ना है। इसके बाद आता है यूनिट नंबर थ्री, जिसमें आपको फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। फूड एंड न्यूट्रिशन जो आपका एक पूरा अलग एक सब्जेक्ट है ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इस यूनिट से रिलेटेड आते हैं। तो फूड एंड न्यूट्रिशन में आपका आहार और पोषण में आपको देखना है कि आहार होता क्या है, आहार का अर्थ क्या है, आहार के टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स के आहार हो सकते हैं, आहार का अर्थ क्या होता है, आहार का काम क्या है, हम क्यों आहार लेते हैं, तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है आहार में। फिर पोषण की अवधारणा क्या है, कि पोषण आखिर होता क्या है, पोषण कहते हैं पोषक तत्व खाने चाहिए, तो पोषक तत्व क्या होता है, पोषण क्या होता है, वो सारी चीज़ें, सूक्ष्म और स्थूल जो पोषक तत्व हैं, उनकी कमियों से होने वाले रोग, मतलब कि अगर जो हमारे अंदर, हमारी बॉडी में, हमारे खाने में पोषक तत्व नहीं है, तो उनकी जो कमियाँ होती हैं छोटे छोटे, वो कमियाँ धीरे धीरे क्या करके हमारे अंदर कौन से रोग होने लगते हैं, उन रोगों के बारे में बात करने की, अगर हमको ये पोषक तत्व नहीं मिल रहा है तो इसकी कमी की वजह से हमको ये रोग हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है आपको यूनिट नंबर थ्री में। इसके बाद आता है यूनिट नंबर फोर, यूनिट नंबर फोर में आपको पढ़ना है क्या, कुकिंग मेथड्स। यूनिट नंबर फोर में आपको पढ़ना है कुकिंग मेथड्स, यानी कि जो खाना बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है, उसकी विधियां, कि भोजन कैसे बनाया जाता है, कौन सी विधि का यूज करके बनाया जाता है, कुकिंग मेथड्स के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है कि लाभ और हानि क्या है, कि कौन सा मेथड है, उस मेथड का लाभ क्या है, एक दूसरा मेथड है, उस मेथड की हानि क्या है, कंपेयर करना हो गया, तो लाभ और हानि के बारे में पढ़ना है। सेकंड, पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, कि जब खाना पकाया जा रहा है तो ये चीज़ ध्यान में रखा जाए कि खाने में पाया जाने वाला पोषक तत्व जो है वो सुरक्षित रहे, वो खत्म ना हो जाए,
क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे कि कुछ पोषक तत्व, जैसे कि आप हरी सब्जी खा रहे हैं, आपने भिंडी की सब्जी बनाई, और भिंडी की सब्जी बनाते हैं कुछ लोगों का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसको भून देते हैं, बहुत ज़्यादा जला देते हैं, जबकि भिंडी की जो पोषक तत्व है वो उसके ग्रीननेस में रहती है। तो अगर आपने थोड़ा सा उसको फ्राई किया, थोड़ा सा उसको तला एंड लेकर के आ गए, तो उसका जो पोषक तत्व रहेगा वो संरक्षण रहेगा। अदरवाइज अगर आपने उसको पूरा तरह से भून दिया तो उसका जो पोषक तत्व है वो खत्म हो जाएगा। तो भोजन बनाते समय को जो है पोषक तत्वों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे संरक्षित रखा जाए, ये चीज़ों के बारे में भी बात करनी है यूनिट नंबर 4 में। तो पार्ट 1 में आपके 4 यूनिट्स थे, जो आपका था फंडामेंटल्स एंड न्यूट्रिशन। अब बात करना है आपको सेकेंड यूनिट, मतलब सेकेंड पार्ट इसका जो है पार्ट नंबर बी, जिसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। अब पार्ट नंबर बी का पहला यूनिट जो है, यानी कि यूनिट नंबर 5, वो है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन, यानी कि मानव विकास का परिचय, कि मानव विकास कैसे होता है, क्या चीज़ है मानव विकास में। तो इस इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं जो हमको इस यूनिट में पढ़नी है। उसमें आ जाएगा आपकी अवधारणाएँ, कि ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर के कई सारी अवधारणाएं हैं, कई सारे सिद्धांत हैं, उनके बारे में बात करनी है। परिभाषाएं हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट आखिर होता क्या है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अकॉर्डिंग परिभाषाएं दिया हुआ है, तो वो चीज़ समझना है। इसके बाद और क्या है, मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकताएं, कि मानव विकास के अध्ययन को अगर करना है, अध्ययन करना है, समझना है, तो क्या क्या चीज़ों की नीड होगी, डोमेन्स क्या इसके होंगे, चरण कौन कौन से होंगे, कौन कौन से चरण से होकर के ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, विकास के संदर्भ और सिद्धांत क्या है, कैसे कैसे विकास होता है, इसका संदर्भ क्या है। इसके बाद विकास के निर्धारक कौन कौन से हैं, कि जैसे विकास किन आधार पर जोड़ा जाता है, क्या वो अनुवांशिकता के विकास के बारे में बात किया जा रहा है, या फिर पर्यावरणीय विकास के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 5 में, यानी कि पार्ट बी के पहले यूनिट में। अब इसके बाद देखते हैं यूनिट नंबर 6 में हमको क्या पढ़ना है। तो 6 नंबर यूनिट है आपका प्रीनेटल डेवलपमेंट एंड बर्थ प्रोसेस। प्रीनेटल मतलब होता है बर्थ से पहले, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस पीरियड को कहते हैं क्या, प्रीनेटल पीरियड। तो प्रीनेटल डेवलपमेंट एंड बर्थ प्रोसेस, यानी कि प्रसव से पहले का विकास और जन्म की प्रक्रिया, कि प्रसव होने से पहले, यानी कि बर्थ होने से पहले का विकास और जन्म की प्रक्रिया कैसी होती है, उस चीज़ के बारे में बात करनी है। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट के अंतर्गत, तो इसमें पढ़ना है पहली चीज़ कि गर्भधारण, कि गर्भधारण कैसे होता है, कैसे मतलब एक बच्चा गर्भ में जाता है, धारण कैसे होता है, गर्भ की अवस्था कैसी रहती है, कि गर्भ की अवस्था कैसे कैसे बच्चा अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी गर्भ की अवस्था कैसी है, वो चीज़। नेक्स्ट है आपका प्रसव के चरण, कि प्रसव कैसे कैसे होता है, किस किस टाइम पर। अगला टाइप आ जाता है आपका कि प्रसव के प्रकार, कि प्रसव के बारे में पढ़ना है, क्या जो प्रसव हो रहा है, जो डिलीवरी हो रही है, क्या वो प्राकृतिक सी एक्शन में हो रहा है, या हॉस्पिटल, या फिर घर, किस जगह पर हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि नवजात जो शिशु है उसकी शारीरिक बनावट कैसी है और उसकी क्षमताएं क्या होती है, जो एक बच्चा प्रसव के दौरान पैदा होता है तो उस शिशु की शारीरिक बनावट कैसी है, उसकी क्षमताएं क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उस चीज़ के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट है आपका प्रसव पूर्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जब प्रसव हुआ, यानी कि डिलीवरी हुई, उससे पहले जो उसका विकास हो रहा था बच्चे का, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, किन कारणों से एक बच्चे का विकास अलग टाइप से होता है, एक दूसरा बच्चा होता है जिसका विकास अलग टाइप से होता है, तो प्रसव से पहले विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है वो पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, यानी कि जन्म से पहले बच्चे का विकास किस तरीके से होता है वो, और जन्म कैसे होता है वो प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी थी यूनिट नंबर 6 में। अब आता है इसके बाद यूनिट नंबर 7, जिसको कहते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था, यानी कि बच्चे के जन्म से लेकर के 2 साल तक की जो उसकी आयु होती है, 2 ईयर्स तक की, उसको कहते हैं इन्फेंसी, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था के बारे में पढ़ना है कि शैशवावस्था और पूर्व स्कूल के दौरान विकास संबंधी कार्य, शैशवावस्था और पूर्व स्कूल के टाइम पीरियड का जो टाइम, पूर्व स्कूल मतलब स्कूल जाने से पहले, तो इसके दौरान विकास संबंधी कार्य कौन कौन से होते हैं वो पढ़ना है। शारीरिक और मानसिक विकास कैसा होता है, यानी कि 0 ईयर से लेकर के और 2 ईयर तक के बच्चे के बीच में उसके शारीरिक विकास कैसे कैसे होता है, बहुत रैपिड विकास होता है 0 से 2 ईयर्स में, उसका मानसिक विकास किस तरीके से होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सामाजिक और भावात्मक विकास, एक बच्चे का जो 0 से 2 ईयर्स तक जा रहा है उसका विकास कैसे होता है, जो उसका कॉग्निटिव और लैंग्वेज डेवलपमेंट है, संज्ञात्मक और भाषा विकास, वो कैसे होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 7 में, जो कि 0 से 2 ईयर्स के बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, क्या उनका विकास होता है, शारीरिक हो, मानसिक हो, संज्ञात्मक हो, भावात्मक हो, सामाजिक हो, भाषाई हो, तो ये सारे विकास कैसे होते हैं।
एंड इसके बाद यूनिट नंबर 8 आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड, जिसको आप प्री स्कूल ईयर्स भी कहते हैं, जो कि 2 ईयर्स के बाद 6 to 7 ईयर्स तक होता है। तो इसमें जो है आरंभिक बाल्यावस्था कहते हैं इसको, और इस टाइम पीरियड पे प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है इसमें बच्चे का विकासात्मक कार्य कौन कौन से होता है, क्या क्या चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप होती है, कौन कौन से काम वो करने में जो है एबल हो जाता है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास किस तरीके से हो चुका होता है, किस लेवल का हो चुका होता है उसका शारीरिक और मानसिक विकास, उसकी सामाजिक और भावात्मक विकास किस तरीके से हो चुका होता है, इस चीज़ के बारे में बात करनी है। संज्ञात्मक और भाषा का विकास किस तरीके से होता है, इन चीज़ों के बारे में बात करनी है। यानी कि सेम टू सेम यही सारी चीज़ें हैं मतलब, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड टाइम पीरियड के बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 8 में। इन्फेंसी के बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 7 में। 6 में पढ़ना है आपको प्रीनेटल डेवलपमेंट एंड बर्थ प्रोसेस, एंड 5th में आपने देखा ही था कि सिंपल ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना था। तो ये सारा पार्ट था किसका, आपका पार्ट बी, यानी कि जो आपका गृह विज्ञान है होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर, इसका पार्ट बी। पार्ट ए में तो आपको पता ही है कि फाउंडेशन जो है फंडामेंटल एंड न्यूट्रिशन था, तो इस चीज़ के बारे में पढ़ना था हमको। तो ये पूरा आपका यूनिट था, यूनिट नंबर 8 तक हमने पूरा आपका समझा दिया कि गृह विज्ञान अगर आप ले रहे हो, चोज कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा, आपको चिंता लेने करने की जरूरत नहीं है, हम आपको जल्द ही ये सारे टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर के आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और भी ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।